तो 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, यानी कि इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेना है हमको और वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है सेकंड सर्कल के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, 2gx 2fy, 2gx 2fy, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिए। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोई पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, यहाँ से मैंने के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करवा दी, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो गई है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को अगर मैं इससे ज्वाइन करूं, सर्कल को मैं इस पॉइंट ए से ज्वाइन करूं, ए से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, तो ये तो R1 नाम दे देता हूं और इसको R2 नाम दे देता हूं, और ये पॉइंट बी, यानी ए बी जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो R1 का जो वैल्यू है क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस D1। R2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ C2। ए बी जो होगा मेरे पास क्या होगा, वो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा, है ना। R1 को बड़ा माना है हमने और वो पॉइंट पे है C1 वाले पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस C1, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ C, ठीक है। ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी का जो लेंथ होगा, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, तो कितना आ गया, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, और C2 माइनस C1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।